हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डिफरेंट स्टाइल से नारियल से कैसे फिश फ्राई बनाते हैं दिखाने जाने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा क्रश नारियल चाहिए, उसमें हमें थोड़े से मेथी के दाने, जीरा और राई, थोड़े थोड़े चुटकी भर डाल देना है। उसमें छोटे छोटे प्याज काट के डालना है और उसके बाद हमने गैस में कढ़ाई रख दी है। गरम होने के बाद हम ये ऑयल में डाल देंगे थोड़ा सा। फिर इसको फ्राई करना है ब्राउन होने तक। थोड़ा इसको फ्राई होने तक, देन इसको ब्राउन होने तक हिलाना है। नारियल का कलर चेंज होने लगा है और सब ब्राउन होने लग गया है। इससे ही ज़्यादा ब्राउन होना है हमें। इस तरीके से हिलाते रहना, कम से कम 15 to 20 मिनट्स हिलाते रहना है। नारियल भूनने तक हमें वेट करना है। थोड़ा सा और डार्क कलर, थोड़ा सा और डार्क ब्राउन होने देना है। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर दो उसमें। देख सकते हो आप, हमने हल्दी मिक्स किया है उसमें और थोड़ी देर ऐसे ही ब्राउन करते रहना। 2 स्पून मिर्च पाउडर डाल लेना है उसके बाद। अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको। देन 2 स्पून धनिया पाउडर डाल दीजिए। देन थोड़ा सा मेथी पाउडर। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि मसाला अच्छे तरीके से भून लिया जाए। देख सकते हो ये कलर मिलेगा आपको लास्ट में, कलर मिलेगा जैसे ही नारियल भून जाए तो। उसके बाद गैस ऑफ कर दीजिएगा। देख सकते हो जो भुना हुआ नारियल था वो हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है और थोड़ा पानी भी ऐड कर लिया हमने, ताकि अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए। फिर देख सकते हो हमने वो मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है मिक्सी के जार में। गैस में पैन रख दिया है, तेल गर्म हो चुका है। हमने राई थोड़ा सा डाला, हम थोड़ा सा प्याज तड़के के लिए डाल देंगे। ब्राउन होने तक भूनना है प्याज को। जैसे ही ब्राउन हो जाए ये मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ था। सकते हो आप लोग, तो अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें एक टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड कर दिए हमने और उसमें एक मिर्च भी काट के डाल दीजिएगा। उसके बाद इसे मिक्स कर दीजिएगा। देन जो मिक्सी के जार में थोड़ा सा मसाला था उसमें पानी डाल के हमने ऐड कर दिए। इमली भी डाल देंगे उसके साथ।
इमली ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, ये वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हमारे नॉर्मल इमली भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ये ज़्यादातर केरला में ही मिलती है ये इमली। उसके बाद थोड़ा सा अच्छी तरीके से आ जाने के बाद हम इसमें फिश ऐड कर देंगे। फिश ऐड कर दिया हमने, उसके बाद इसको अच्छे से हिलाए ताकि फिश नीचे जमे ना। उसके बाद 20 to 30 minutes लो फ्लेम नहीं, मीडियम फ्लेम में पका लीजिएगा। आप देख सकते हो आफ्टर 20 minutes फिश करी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, लगभग रेडी हो गई है। 5 minutes और हम इस तरीके से पकाएंगे, इसमें हम कड़ी पत्ता गार्निश करेंगे। फ्लेम ऑफ कर देना उसके बाद। तो हमारा फिश करी रेडी है, अब आप लोग सब अपने घर में ट्राई कीजिएगा और कैसे लगा जरूर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।